गाइस एश ग्रेनिंजा हम सबका फेवरेट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एश ग्रेनिंजा की फुल पावर के बारे में नहीं पता है। इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ मच पावरफुल इज एश ग्रेनिंजा। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और पोकेमोन की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एश ग्रेनिंजा की सबसे बड़ी पावर है बॉन्ड एवोल्यूशन। वैसे तो नॉर्मल ग्रेनिंजा भी बहुत पावरफुल है जैसे बाकी वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन होते हैं, लेकिन बॉन्ड एवोल्यूशन में ग्रेनिंजा पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बॉन्ड एवोल्यूशन मेगा एवोल्यूशन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर एश और ग्रेनिंजा चाहें तो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। गाइस किसी भी पोकेमोन फाइट में स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होती है और एश ग्रेनिंजा की स्पीड बहुत ज्यादा है। ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा ही फास्ट है। ग्रेनिंजा की स्पीड लगभग सारे नन लेजेंडरी पोकेमोन में सबसे ज्यादा है, और क्योंकि ग्रेनिंजा की स्पीड बहुत ज्यादा है इसीलिए ग्रेनिंजा किसी भी पोकेमोन के अटैक से बहुत आसानी से बच सकता है। जब मेगा सेप्टाइल ने एक साथ बहुत सारे फ्रेंजी प्लांट यूज किए थे बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा पे, तब ग्रेनिंजा बहुत आसानी से सारे फ्रेंजी प्लांट से बच गया था। और गाइस ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाइस आप खुद सोचो ग्रेनिंजा ने एक ही वाटर श्रुकिन से कालोस रीजन के चैंपियन दियांता के मेगा गार्ड वायर को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। और मेगा सेप्टाइल जो ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, और ग्रास और ड्रैगन टाइप पोकेमोन वाटर टाइप अटैक से बहुत बहुत कम डैमेज लेते हैं, फिर भी ग्रेनिंजा ने अपने एक वाटर श्रुकिन से मेगा सेप्टाइल को हरा दिया था। और लाइसेंडर के पायरोर के हाइपर बीम जैसे पावरफुल अटैक को अपने कट जैसे अटैक से रोक दिया था। मेगा चारिज़ार्ड एक्स जैसे पावरफुल पोकेमोन को अपने एक ही एरियल एज से गिरा दिया था, और मेगा चारिज़ार्ड एक्स के ब्लास्ट बर्न को अपने एक ही वाटर श्रुकिन से रोक दिया था। मतलब ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा है। और गाइस ग्रेनिंजा अलग अलग जगह से बहुत जल्दी जल्दी भी अटैक करता है। गाइस अगर अभी भी आपको लगता है कि ग्रेनिंजा पावरफुल नहीं है, तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि मशीन्स की पावर पोकेमोन की पावर से बहुत ज्यादा होती है। मशीन ने तो लेजेंडरी पोकेमोन्स को भी पकड़ लिया था, लेकिन ग्रेनिंजा ने अपनी बॉन्ड एवोल्यूशन के पावर से लाइसेंडर के सारे मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर ग्रेनिंजा अपने बॉन्ड एवोल्यूशन के पावर से मशीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो गाइज आप खुद ही सोचो कि ग्रेनिंजा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। गाइज और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रेनिंजा अभी जाइगार्ड जैसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन के साथ है, और अगर ग्रेनिंजा एश के पास वापस आया तो पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन के आएगा। और बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा के पास कट, एरियल एस और वाटर श्रुकिन जैसे पावरफुल अटैक हैं, और ग्रेनिंजा के पास डबल टीम अटैक है जिससे वो दूसरे पोकेमोन के अटैक से बच सकता है। और ग्रेनिंजा ने मेगा एबेमिस्नो, अल्टारिया, बिशाप और मेगा सेप्टाइल जैसे पावरफुल पोकेमोन्स को हराया है, और मेगा चारिज़ार्ड एक्स जैसे बहुत बहुत पावरफुल पोकेमोन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और गाइस बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा का एक पावरफुल वाटर श्रुकिन सहना किसी भी नन लेजेंडरी पोकेमोन के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में।